तो हाय फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है या जो ट्रैवलॉग है ये है जो बाय सेमी का। यहाँ पे बहुत सारे सूट्स, लहंगाज एंड साड़ीज एक्सेट्रा थे इनके पास, पर मैं कुछ ही आर्टिकल्स कवर कर पाई बिकॉज रात का टाइम था, ठंड बहुत हो रही थी और मेरे साथ मेरी छोटी सी बेटी भी थी। और जो आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। और अगर आपको ख़रीदना है तो ये एम्बियंस मॉल बसंत कुंज में है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। देखिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी थी और छोटे छोटे मुकेश का वर्क था, वेलवेट का कपड़ा था एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल डार्क ग्रीन, वाटर ग्रीन कलर का था। एंड देयर वाज दिस वन, नेट का दुपट्टा था इसके साथ, हैवी एम्ब्रॉयडरी थी इस पर, नॉट दैट मैं सिप पे सितारे बट हैवी हैंड एम्ब्रॉयडरी थी। एंड दिस वॉज अ लहंगा ऑफ देयर्स जिसका दुपट्टा अभी रेडी हो रहा था। एंड दिस लहंगा वॉज फॉर 12,000 रुपीज एंड अनडाउटेडली ये 12,000 के वर्थ था। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल क्लोज से कवर करने का ट्राई कर रही थी मैं, तो हाथ से करा हुआ काम है, बिल्कुल बारीक बारीक एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल हैंड एंड थ्रेड वर्क ऑन अ वेरी यू नो सिक्वेंशियल जो कपड़ा होता है, जो चमक वाला कपड़ा होता है। एंड इट कॉस्टेड 12,000। इसका दुपट्टा अभी वॉज अबाउट टू गेट रेडी एंड अगर आपको इसको देखना है ना तो आप इनके स्टोर पे जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। देन इज दिस वन सूट, ये था पर्पल और ब्लैकिश टोन में गाइस, ब्यूटीफुल सूट। ये वेलवेट का नहीं था, तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। इट वॉज पर्पल, पर्पल कलर में था। चुन्नी जो थी ना इसकी वो प्योर पंजाबी स्टाइल की चुन्नी थी। ब्लैक आर्टिकल, बहुत सारे लोगों को ब्लैक बहुत पसंद है, वेलवेट में था, बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देन कम्स दिस वन फुली, ये एक्चुअली धागे का काम था बट आई वॉज नॉट श्योर ये हाथ से करा हुआ था कि मशीन का था। ये कुर्ती स्टाइल में था, बाकी सब सूट्स अनस्टिच थे और ये कुर्ता जो था ये स्टिच्ड कुर्ता था। एंड दिस वन माई फेवरेट कलर, पिंक मैजेंटा, मैजेंटा या सो ये भी कुर्ती थी जो इन्होंने इस बिल्कुल स्टार्टिंग में हैंग करा हुआ था। ये मल्टी कलर में थी, बेसिकली मल्टी भी नहीं था बट सुंदर था, वेरी नाइस इट वॉज। नाउ दिस इज हैंड बीडेड वर्क, ये श्रग टाइप बोल सकते हो इसको, कुर्ती स्टाइल में बोल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू आप इसको कैसे यू नो वियर करोगे और स्टाइल करोगे। वेलवेट था इसका बेस जो था वो वेलवेट था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इनका कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप स्टोर की डिटेल्स वगैरह जो भी लेना चाहते हो वो इनसे ले सकते हो। देन इज दिस वन, ये भी बहुत शाइनी शाइनी मेहंदी कलर में था ये एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। कपड़ा भी बहुत कोजी सा था, ये आप अभी ख़रीद सकते हो अगर आपको कोई फंक्शन आ रहा है एंड फंक्शन के एस्पेक्ट से भी ये बहुत सुंदर था। नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल, ये थोड़ा आपके ना नीज तक आएगा, घुटनों तक आएगा और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी थी। ये बड़ा स्टाइलिश सा था, इसको आप अपनी जीन्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, जिगिंग के साथ, किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो एंड दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू रॉक। दिस वन वॉज द साड़ी, सी गाइस वेरी प्रिटी साड़ी। सो फॉर रेट्स एंड फॉर यू नो प्राइजेज एंड फॉर ऑल अदर थिंग्स लाइक साइजेज एंड इन सब चीज़ों के लिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो एट एनी टाइम। दे आर गोना आंसर यू एंड दे आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग बिकॉज यू नो द गर्ल हु वॉज एट द स्टोर, आई एम नॉट श्योर वो खुद ही डिज़ाइनर थी बट शी वॉज वेरी पोलाइट एंड आई रियली लव दिस गर्ल हु इज शोइंग द आर्टिकल्स। ये भी वेलवेट में था, एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट था, प्रिटी वन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एज वेल। अभी जैसा सर्दी हो रहा है दिल्ली में वैसा पहनने के हिसाब से इट वॉज अ थम्स अप एंड ये भी अराउंड 3XL तक जाने वाला प्रोडक्ट था। देन इज दिस वेरी ब्यूटिफुल हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड, ये तो बहुत हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड थी, अनारकली पैटर्न में थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स प्राइस, आई गेस इट्स प्राइस वॉज अराउंड 4500। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हों